हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारा टूर है जन्माष्टमी मनाने के लिए। हम जा रहे हैं लाल कुआं हल्द्वानी हल्दी चौक। तो आप सभी का स्वागत। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, हमारे बैग तैयार हो गया, हम भी तैयार हो चुके हैं प्रस्थान की तैयारी, भगवान के जन्मदिन मनाने के लिए। आप लोग यही मनाइए, हम मना के आते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राधे, जय श्री श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम, सभी को राधे राधे। दोस्तों अब मैं तैयारी में हूँ, बैग लगा दिया हमने पीठ में, तो अब हम तैयार हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, तैयारी में है, हम लोग निकल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम निकले चार धाम, देखो देखो पहाड़ों की सुंदरता भी काफी दिव्य है, और इसी मार्ग से हमें भी निकलना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब दोस्तों रास्ते के लिए हमें थोड़ा सा जल की व्यवस्था चाहिए होगी, थोड़ा सा हम जल भर लेते हैं जो हमारे रास्ते में काम आएगा पीने के, और सारी सुविधाएं लेके हम चले हुए हैं। बाकी हरी इच्छा, मौसम भी काफी सुहाना हो रहा है। सवेरे हल्की बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन सुबह हो गया है, अब हम निकले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, तो अब हम अपनी सवारी तक पहुंच चुके हैं, और बादलों के बीच में से मीठी मीठी धूप निकलने लगी है। गंगपार असुम में बीच में सरयू नदी है, उधर वाला फ्लैट असुम कहलाता है। ये भट्टी गांव है पिगोली, और इधर हमारा गांव है जमतुला, यहाँ से दिख नहीं रहा। जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा, हरे राम, जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ अभी अब थोड़ा थोड़ा रास्ते में कैप्चर करते जाएंगे, लोगों को दिखाना जरूरी है। हाँ जन्माष्टमी, भगवान का जन्मदिन मनाने की तैयारी में है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं सेराघाट, सरयू नदी के तट से। यहाँ से निकलते हैं हम, आगे बढ़ेंगे। यह है सेराघाट का बहुत सुंदर दृश्य। जय श्री श्याम।
तो सभी को, अभी हम पहुंच गए हैं कैची धाम। बाबा नीम करौली जी महाराज जी का भव्य मंदिर है, बहुत विशाल। तो सामने आप देख सकते हैं श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ पर, अभी यहाँ पर काफी रस रहता है हमेशा। और प्रभु जी भी आनंद ले रहे हैं, इधर पूरी मार्केट खचाखच भरी पड़ी हुई है। आप प्रसाद लेना, अब यहाँ से प्रसाद भी ले जा सकते हैं। जय श्री राधे। ये बहुत विशाल मंदिर नीम करौली बाबा जी महाराज जी का। जय श्री राधे, जय श्री राधे। दोस्तों अब हम पहुँच गए भीमताल, सुंदर दिव्य ताल और आनंद दिव्य ताल का, बहुत विशाल है। इसमें आप आके बोटिंग भी कर सकते हैं। आपके सामने ये देखो कितनी मौसम रंग बिरंगी, लिपिंग बना रहे थे ये भी लगा है बेचारा। जय श्री राधे। ये सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। श्री हरि। दीपांशु ने बतख पाल रखे हैं इधर। जा आगे जा, आगे जा, आगे जाना बतखों के साथ। जा जा, कोई कुछ नहीं करेंगे, जा तो सही बतख की सेवा में। जय श्री राधे। आराम से बैठ जा, बैठ जा, यहीं पे बैठ जा। बहुत सुंदर है बतख, ये बहुत दिखती है। क्या दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर। तो अब थकान लग गई, आखिरकार पहुंच तो गए। अब आप हमें नींद भी आने लगी, धूल भी काफी चलेगी और नींद भी आ रही है। पेट पूजा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम लगभग पहुंच ही गए यहाँ से, 2-3 किलोमीटर हो गए। फिर आगे ना। तो फाइनली हम अब गोधाम में पहुंच चुके हैं। जय श्री राधे, जय गौ माता। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर गौ माता। और हमारे प्रभु जी देखते ही रह गए गायों को कि क्या है इधर, मजाक तो नहीं हो रहा है। आप लोग भी देखिए, काफी भरी मात्रा में गाय, जहाँ भी देखेंगे आपकी गाय गाय आपको नजर आएंगी चारों तरफ। जय श्री राधे। गौ माता की जय। कृष्णा राधे राधे, जय श्री श्याम। अभी आज एक नए भक्त और जुड़ गए लाइन में। आज कल की थकान निकाल गए, अब थोड़ा मुस्कुराहट है चेहरे में, है? थोड़ा शेर पहाड़ी शेर, दो शेर हैं मेरे साथ ये, और बाकी शेर अभी मिलेंगे, आपको मिलाते रहेंगे, आनंद से झूमेंगे अभी। जय श्री राधे। Thank you.
Yeah.